गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है कंजक्शन इफ़ एनी बडी आस्क यू वट इज़ द कंजक्शन वट डू यू मीन बाई कंजक्शन तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन यू कैन से अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स फ्रेजेज सेंटेंसेज इट मीन्स कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो शब्दों या फ्रेजेज एंड सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है शार्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो कंजक्शन कंजेक्शन इज अ एडिंग वर्ड मतलब कंजेक्शन जो है वो जोड़ने वाला जोड़ने का काम करता है एग्जाम्पल एंड आर बट आइदर आर सो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तो किस तरीके से ऐड करने का काम करेगा मान लो दो सेंटेंस हैं आई फर्स्ट है आई एट एंड सेकेंड है आई स्लेप्ट अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है एंड प्रेडिकेट डिफरेंट है तो दोनों आई यहाँ पे भी सब्जेक्ट है आई इसमें भी है तो आई को सिंगल टाइम काउंट करेंगे आई एट एंड स्लेप्ट यहाँ पे जो एंड आया है ये क्या है आपका कंजक्शन है यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंस थे उसको ऐड करके यहाँ पे एंड के थ्रू हमने दोनों सेंटेंस को एक साथ लिख दिया आई एट एंड सलेक्ट काइंड ऑफ कंजक्शन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं थ्री कौन कौन से फर्स्ट को कंजक्शन सेकेंड कोरिलेटिव कंजक्शन एंड थर्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन अब वन बाई वन हम डिटेल्स में जानते हैं कि वट इज कोआर्डिनेट कंजेक्शन वॉट इज कोआरिलेटिव कंजेक्शन एंड वॉट इज सवार कंजेक्शन तो आइए देखते हैं फर्स्ट है वॉट इज कोआर्डिनेट कंजेक्शन ध्यान से देखिएगा कोआर्डिनेटिंग कंजक्शन आर कंजेक्शन विच कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कोआर्डिनेटिंग कंजेक्शन ऐसे कंजेक्शन होते हैं जो दो इक्वल सेंटेंस के दो इक्वल पार्ट को जो है वो जोड़ने का काम करते हैं द मोस्ट कॉमन वंस आर जो सबसे ज्यादा कॉमन मतलब सबसे ज्यादा फेमस कोआर्डिनेट कंजेक्शन है वो है एंड आर बट सो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एंड कहाँ पे यूज होगा आर कहाँ पे यूज होगा बट कहाँ पे यूज होगा सो so कहाँ पे यूज होगा देखते हैं यूज ऑफ एंड एंड का यूज कहाँ पे होगा एंड इज यूज टू ज्वाइन आर एड वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंस एड इज़ यूज टू ज्वाइन इट मींस एड का एड का यूज हम सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंस मतलब किसी सेंटेंस में वर्डों को एक साथ जोड़ने का काम करता है एग्जाम्पल दे एट फर्स्ट सेंटेंस मान लो दे एट है सेकेंड दे ड्रैंक अब यहाँ पे देखो बेटा सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट डिफरेंट है तो हमने सब्जेक्ट को एक ही बार काउंट किया और मैंने सेंटेंस को ऐड कर दिया दे एट एंड रैंक यहाँ पे एंड जो है ये कनेक्टिंग का, का काम कर रहा है मतलब यहाँ पे कंजेक्शन का काम का कर रहा है और एंड यहाँ पे कौन सा कंजेक्शन है कोआर्डिनेट कंजेक्शन है ठीक और एंड का यूज हम ऐड करने के लिए करते हैं अब आर का यूज कहाँ पे होगा यूज ऑफ आर आर इज यूज टू शो चॉइस आर पॉसिबिलिटीज इन ए सेंटेंस किसी सेंटेंस में चॉइस या पॉसिबिलिटीज को शो करना है तो आर का यूज करना है एग्जाम्पल ही विल बी हियर ऑन मंडे आर ट्यूजडे वह यहाँ पे या तो मंडे को होगा या फिर ट्यूजडे को होगा यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है कि या तो उसकी पॉसिबिलिटी मंडे को होने की है या फिर ट्यूजडे की होने की है दोनों में से किसी एक डे नेक्स्ट यूज ऑफ बट इट शोज अपोजिट थिंग्स इन अ सेंटेंस इट मीन्स ये बट का यूज जो है सेंटेंस में अपोजिट का सेंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एग्जाम्पल सी इज स्मॉल बट स्ट्रांग देखो सी इज स्मॉल व छोटी है लेकिन मजबूत है स्ट्रांग है अब देखो अपोजिट का सेंस कैसे हुआ सी इज स्मॉल व छोटी है तो उसको वीक होना चाहिए बट ऐसा है नहीं सी इज स्मॉल बट स्ट्रांग तो जब अपोजिट सेंस क्रिएट करना होगा तो हम बट का यूज करेंगे एंड लास्ट वन यूज ऑफ सो इट इज यूज टू सो रिजल्ट इन सेंटेंस सेंटेंस में हम रिजल्ट को सो करने के लिए शो का यूज करते हैं कैसे दे वर टायर्ड सो दे वेंट टू स्लीप वे थक गए थे इसलिए वे सोने चले गए अब देखो अगर वो थके ना होते तो वो सोने ना जाते तो पहला से पहले पहले सेंटेंस में क्या है कि दे वर टायर्ड वे थक गए थे तभी सोने के लिए गए तो पहले सेंटेंस का दूसरा से, सेंटेंस उसका रिजल्ट होता है अगर वो थका ना होता तो सोने ना जाता रिजल्ट क्या हुआ देवर टायर्ड वो थक गए थे तभी इसलिए वे सोने चले गए तो आई होप ये कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में को रिलेटिव कंजेक्शन एंड सवारिनेट कंजेक्शन के बारे में जानेंगे तो कंजक्शन का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेचक पूछ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे संपर्क करिए मैं आपकी हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा थैंक यू स्टे एट होम स्टे सेफ